नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नरसिंहपुर जिले में किसानों के सामने अब विद्युत की कमी एक बड़ी समस्या आन पड़ी है। दरअसल उन्हें 10 घंटे की लाइट मिलती है, इसी में भी वोल्टेज कम रहने की वजह से उनका काम नहीं हो पाता। नगर साईखेड़ा और आसपास लगे किसान लाइट की व्यवस्था की वजह से परेशान है। 10 घंटे की लाइट में वोल्टेज की कमी है, जिस पर इस बार मूंग की खेती किसानों ने की है और गन्ना भी लगाया है। किसानों द्वारा जानकारी दी गई थी कि लाइट की कमी के कारण काफी परेशानी सामने आ रही है। प्रशासन से मांग की गई थी कि वोल्टेज की कमी ठीक की जाए और नियमानुसार 10 घंटे की लाइट दी जा रही है, उसमें कटौती न की जाए। यह नगर साईखेड़ा के पास किसानों का ये मौजा है। लाइट ना मिलने के कारण इस बार किसानों ने मूंग की खेती कम की है। आप इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पर मूंग की बुआई हुई है किसानों ने, यहाँ पर गन्ना भी नहीं लगाया है। कारण यही है कि इस बार जो बिजली की सप्लाई किसानों को नहीं मिल पा रही, उससे किसान बहुत परेशान है। आप पूरे एक बार और बताएं, यहाँ पर ये देखें आप, पूरे किसानों के दूर दूर तक किसानों ने इस बार मूंग की बुआई नहीं की है, जिससे किसान परेशान है। और जिन किसानों ने मूंग बोई है, उनकी बार बार प्रशासन से यही मांग है कि विद्युत की जो 10 घंटे बिजली मिलती है वो बराबर मिले, वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम है। नरसिंहपुर जिला प्रशासन अधिकारी इस ओर ध्यान देकर किसानों के हक में भी कुछ फैसला ले।